असला एवरी एवरीवन वेलकम टू तो नफीशास फ्लेवर आज मैं बहुत ही अमेजिंग पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो भी बिना आटा गूंधे हुए लिक्विड आलू का पराठा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है आप अपने जरूरत के मुताबिक ले लें अब इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें और यहाँ पे मैंने एक चौथाई चम्मच कलौंजी लिया है मींस मंगरेला और उसी के साथ मैंने एक तिहाई चम्मच लिया है अजवाइन उसे भी हाथों से रगड़ के ऐसे डाल दें फ्लेवर अच्छा आता है एक चौथाई चम्मच हल्दी डाल देंगे अब यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं और उसे मैंने बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से और इसे इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके आटे में डालेंगे ये आलू के पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं और अगर आलू पहले से बॉईल करके रखा हुआ है ना तो आप इस रेसिपी को मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज काट के डाल दिया है और दो से तीन हरी मिर्च ले लिया है और उसी के साथ हरा धनिया ले लिया है और इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा नींबू का रस यहाँ पे मैंने डाला है इसकी जगह पे आप चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी मसाले डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बनाकर रेडी करेंगे बहुत पतला नहीं बनाना है नहीं तो फिर पराठे अच्छे नहीं बनेंगे और ये देखिए इस तरह का बैटर बिल्कुल रेडी करना है बैटर इसका थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो पराठे अच्छे बनेंगे फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इसे और भी फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का लगाएंगे तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है उसे गर्म कर लिया है और इसमें काली सरसों कड़ी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर डालकर इस तरह से चला लेंगे और इसका तड़का इसमें बैटर में डाल देंगे आप जो तेल खाते हो वो तेल यूज करें इस तरह से बैटर में तड़का लगाने से ना ये पराठे या चीला भी बोल सकते हैं आप ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें मैं इसे लोहे की तवा पे बना रही हूँ आप चाहे तो इसे नॉन स्टिक पैन पर भी बना सकते हैं तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है एक चम्मच आप अपनी जरूरत के हिसाब से तेल डालें और जो तेल आप खाते हैं वो तेल आप यूज़ करें अब बैटर को सेंटर में डाल देंगे इस तरह से और चारों तरफ से ऐसे फैलाते जाएंगे और यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है बैटर को ऐसे फैलाने के बाद जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए ना तब इसे पलट लेंगे ये पराठा या चीला बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है तो इसे बहुत ही आराम से इसे पलटें ताकि टूटे नहीं आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होता है और आप चाहें तो इसे सफ़र पे भी कहीं जा रहे हों तो इसे आप बना करके ले सकते हैं बाकी के पराठों को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है आप इसे आलू का चीला भी बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आया है आप देख सकते हैं आप इसे अचार रायता या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो देर किस बात की है जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए क्योंकि इनकी सारी इंग्रेडिएंट्स किचन में इजीली अवेलेबल होती है अपना खूब ख्याल रखें खाएं खिलाएं खुश रहें अल्लाह हाफिज